हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। जी, अगर फ्री में गार्डनिंग करने के शौकीन हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड। तो मेरा तो पूरा गार्डन ही फ्री में बना हुआ है। तो फ्री में जब हम बिना गमले खरीदे ढेरों पौधे लगा लेते हैं और नए नए पौधे जो है वो कटिंग से रेडी कर लेते हैं और जब उनमें फूल खिलते हैं तो देख कर बहुत ही अच्छा लगता है। विंटर के फ्लावर्स प्लांट है जिसमें कि गेंदा और गुलदावरी है और जितने भी आप मेरे विंटर के प्लांट देख रहे हैं सभी को मैंने बिना गमलों के इस तरह से कबाड़ में ही लगा के रखा है। आप देख सकते हैं जो हमारे घर से पॉली बैग निकलते हैं, आटे के हो गए, सर्फ के हो गए, चाय पत्ती के हो गए। इधर आप देख सकते हैं जितने भी मेरे गुलदावरी के प्लांट हो गए, इधर मेरे कलांचो के प्लांट हैं, सभी मेरे ये सारे प्लांट मेरे कटिंग से रेडी हुए हैं और सभी हमारे घर से निकलने वाले बेकार इस तरह के रिफाइंड तेल के डब्बे में ही सारे मेरे गुलदावरी के प्लांट जो है लगे हुए हैं। तो इसी तरह से मैंने फ्री में ही अपने विंटर गार्डन की तैयारी जो है वो कर ली है। मेरे गार्डन में अधिकतर जो है आपको कबाड़ का जुगाड़ जो है मिल जाएगा। मेरे सारे प्लांट जो है हमारे घर से निकलने वाले इस तरह के कबाड़ में ही लगे हुए हैं और इसी में मेरे प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से चलते भी रहते हैं। मेरी तरह फ्री में गार्डनिंग जो है वो करना चाहते हैं तो अपने घर से निकलने वाले कोई भी सामान को बेकार न समझे, उसे कबाड़ी वाले को देने के बजाय उसमें प्लांट जो है वो लगा सकते हैं। इस तरह से आप फ्री में गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं और आपको अपने आसपास में जो भी प्लांट जो है दिख जाते हैं बड़े बड़े प्लांट, तो उसकी छोटी छोटी टिप्पर की कटिंग जो है ले लीजिए और इस तरह के अपने घर से निकलने वाले कोई भी छोटे छोटे कबाड़ में लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे ढेरों इस तरह से सारे कटिंग्स ही लगी है, ये सारे प्लांट जो है मेरे रेडी हो रहे हैं। इसमें से अधिकतर प्लांट जो है वो लग भी गए हैं और इस तरह से आप भी ढेरों प्लांट जो है छोटी छोटी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने गुड़हल प्लांट की छोटी सी कटिंग ही लगाई थी और उसमें इस तरह से कलियाँ जो है वो बन रही हैं, तो ये प्लांट जो है मेरा लग गया है। और देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से गुलाब के प्लांट की कटिंग लगाई थी और देखिए मेरा जो गुलाब का प्लांट है ये भी लग गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मेरा क्रोटन का प्लांट लगा हुआ है और इसकी भी कटिंग जो है अच्छे से लग गई है। और यहाँ पर मेरे अलमंडा के प्लांट की कटिंग लगी हुई है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे जो कबाड़ होते हैं उसमें ढेरों छोटी छोटी कटिंग्स जो है लाकर लगा सकते हैं। तो एक छोटे से ग्रो बैग में ही ये प्लांट जो है आप देख सकते हैं रियो का लगा हुआ है मेरा और एक छोटी सी कटिंग ही मैंने लगाई थी। और देखिए मुझे फ्री में इतने सारे प्लांट जो है मिल गए हैं। तो यह है गार्डनिंग करने के फायदे, एक प्लांट लगाने पर हज़ारों प्लांट जो है फ्री में मिल जाते हैं। और दूसरा अजूबा मैं आपको दिखा दूँ तो देख सकते हैं आपकी इस तरह से आपको गार्डनिंग करने के ढेरों फायदे जो है मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरे व्हाइट कलर के गुड़हल के प्लांट में आप देख सकते हैं कि पिंक कलर का गुड़हल भी खिलने लग गया है। तो ये सब देख बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप भी गार्डनिंग जो है वो अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की है तो फटाफट से गार्डनिंग जो है स्टार्ट कर दीजिए। तो पेड़ पौधों को लगाने के लिए हमें गमले चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बिना गमलों को भी हम ढेर सारे पेड़ पौधे जो है लगा सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले हों, चाहे वो सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, आप छोटे छोटे इस तरह के कबाड़ में लगा सकते हैं। तो सारी यूफोर्बिया मिली के फ्लावर्स हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इसे तो मैंने इस तरह के चाय पत्ती के पॉकेट में, ये इस तरह के छोटे से ग्रो बैग में या फिर इधर आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में, तो इसी में लगा के रखा। और इधर भी सारे मेरे फूलों वाले प्लांट ही हैं जो कि इस तरह के डब्बों में ही लगे हुए। ये रिफाइंड तेल के डब्बे हो गए जो कि हम सभी के घरों से निकलते ही रहते हैं फ्रेंड। और इधर आप देख सकते हैं कि ये बैटरी की जो पानी वाली बोतल आती है तो उसमें भी मैंने ढेर सारे पेड़ पौधे जो है लगा दिए हैं। देखिए इसमें मेरा यूफोर्बिया मिली कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें मैंने मैक्सिकन पिटूनिया को लगा के रखा। और यहाँ भी ये हमारे घर से निकलने वाले डब्बे ही हैं और आप देख सकते हैं कि ढेर सारे मेरे इस तरह से बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। तो इधर मेरा बोगनविला का प्लांट है, इसे तो मैंने इस तरह के ये देख सकते हैं ये पानी की जो जो बोतल आती है बड़ी वाली, तो उसी में मैं कट करके लगाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे व्हाइट वाले गुड़हल हो गए, इधर मेरे एक्जोरा के प्लांट हो गए। और चलिए मैं आपको दिखा दूँ तो इधर भी मेरा एक्जोरा के प्लांट है जो कि बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये प्लांट मेरा कटिंग से लगा हुआ है जो कि अक्सर मैं आप लोग को दिखाती भी रहती हूँ। तो इस तरह के जो आटे के पैकेट आते हैं देख सकते हैं आप, ये सारे इस तरह के आटे के जो 5 केजी के पैकेट हो गए, 10 केजी के पैकेट हो गए, तो उसी में मेरे प्लांट जो है लगे हुए हैं। और देखिए इसमें जो आटे के पैकेट है उसी में मेरा ये जो गुड़हल का प्लांट है कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो इस तरह के बड़े बड़े जो गुड़हल के प्लांट हो गए इसे लगाने के लिए आपको बड़े बड़े गमले लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के आप अपने घर से निकलने वाले आटे के बड़े बड़े पैकेट में इनको लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे बड़े बड़े जो प्लांट है इस तरह के आटे के 10 केजी के या फिर 5 केजी के पैकेट में ही लगा के रखा है। तो गमले तो हमें बहुत सारे अपने घर से ही मिल जाते हैं, बहुत सारे कबाड़ होते हैं जो कि छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो किसी भी में भी आप लगा सकते हैं, चाहे वो पॉली बैग हो गए, चाहे वो टूटी हुई बाल्टी हो गई, टूटा हुआ टब हो गया, या फिर आपके घर से निकलने वाले पेंट के डब्बे हो गए, कोई भी ऐसी बेकार सामान हो गई, या फिर बैटरी की जो पानी वाली बोतल आती है वो हो गए,
बहुत सारे जो भी चीज़ आपके घर से निकलते हैं सब के सब हमारे गार्डनिंग में यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरे ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट है जो कि इस तरह के बेकार डब्बों में ही लगे हुए हैं और इसी में बहुत ही अच्छे से चल भी रहे हैं। गार्डन ही इस तरह से करार से और जुगाड़ से ही बना हुआ है जो कि अक्सर मैं आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ। तो आज मैं फटाफट से आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि फ्री में आप भी किस तरह से बिना गमले खरीदे बिना पौधे खरीदे भी गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह इधर आप देख सकते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे हमारे घर से निकालने वाले वेस्ट होते हैं, डब्बे होते हैं देखिए, और इनका यूज भी हम बहुत ही अच्छे से अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं। तो ये जेट प्लांट है और इसकी कटिंग ही लगती है और देखिए मैंने इसकी छोटी सी कटिंग से जेट प्लांट की टोपियारी जो है बनाई है और ये आइसक्रीम का डब्बा हो गया है। तो इसे आप अगर सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप इसे कलर भी कर सकते हैं। और ये सारे हमारे घर से निकलने वाले डब्बे हैं, इसे मैंने मैक्सिकन पिटूनिया को लगा के रखा है। और देखिए ये इस तरह की मटकी है, इस तरह की मटकी तो हम सभी के घरों में आती है, पूजा में आती है या फिर कोई फूड वगैरह करके भी आता है रेस्टोरेंट वगैरह से, तो इसे आप फेंका ना करें, इसमें आप प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इसमें भी मेरा जेट प्लांट जो है लगा हुआ है। तो जेट प्लांट जो है इस तरह के छोटे छोटे कबाड़ में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तो छोटे छोटे कबाड़ में ही मेरे ढेरों प्लांट जो है लगे हुए हैं। ये सारे मेरे करी पत्ता के प्लांट है जो कि सीड से ग्रो हुए हैं और ये देखिए छोटे छोटे पॉली बैग में ही लगे हुए हैं। एक और करी पत्ता है और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे घर से निकलने वाला एक डब्बा ही है जो कि काफ़ी छोटा है। ऐसे मेरा ये सिंगोनियम जो है पिंक कलर का ये लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं कितने यूजफुल होते हैं। हम गार्डनर के हाथों से तो कोई भी छोटी छोटी चीज़ बेकार चीज़ कबाड़ी वालों के पास नहीं जाती है या फिर कूड़े कचरे में नहीं जाती है, सबका यूज जो है हम अपने गार्डन में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास में हैंगिंग पॉट जो है वो नहीं है, आप हैंगिंग पॉट जो है नहीं खरीदना चाहते हैं, तब भी आप ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग पॉट जो है रेडी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे बैटरी के ऊपर का पार्ट ही है, ऐसे मैंने कट करके उसमें प्लांट जो है लगा दिए हैं। और देखिए कितने सुंदर से ये सारे प्लांट जो है मेरे इसमें चल रहे हैं, ये तेल के डब्बे हैं। तो इस तरह से आप ये जो बेकार सामान है उसका हैंगिंग पॉट जो है रेडी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये देखने में। छोटे से छोटे पॉट्स का भी, डब्बे का भी, कबाड़ का भी यूज जो हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के मिठाई के डब्बे में ही ये मेरा क्रोटन प्लांट की कटिंग जो है लग गई है और बहुत ही अच्छे से जो प्लांट है मेरे चल रहे हैं। और ये तो काफ़ी छोटा है, इस तरह के मिठाई के डब्बे तो हम सभी के घरों में आते ही रहते हैं जिससे हम अक्सर देख ही रहते हैं कूड़े कचरे में। और देखिए इसमें मेरा जेट प्लांट लगा हुआ है और इधर मेरे दही के डब्बे हैं और उसमें मेरा स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। देखिए इसमें कितने सारे रनर्स भी निकले हुए हैं। तो आपके घर से निकलने वाले कोई भी छोटा छोटा जो कबाड़ होता है वो सब बहुत ही यूजफुल होते हैं, सभी में हम प्लांट जो हैं वो लगा सकते हैं। क्योंकि सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स हैं तो इनको भी लगाने के लिए आपको गमले जो है खरीदने नहीं पड़ेंगे, आप इन बहुत ही अच्छे से फ्री में भी इनको लगा सकते हैं। और जितने भी प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ सब के सब कटिंग से बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो अगर आप कटिंग से फ्री में प्लांट जो है बनाना चाहते हैं तो अभी बना लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा समय जो है वो चल रहा है, अधिक विंटर पड़ने पर ठंड जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो ये सारे प्लांट जो है वो कटिंग से नहीं लग पाएंगे। बिना गमले खरीदे छोटे छोटे कबाड़ में बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। और यहाँ तो आप देख सकते हैं कि जितने इस तरह के आप प्लांट मेरे देख रहे हैं अलग अलग तरह के वैरायटी के प्लांट है, इधर क्रोटन के प्लांट हो गए, इधर स्पाइडर प्लांट हो गए, इधर आप देख सकते हैं ये अरेलिया का प्लांट हो गया, यहाँ पर डेविल्स बैकबोन के प्लांट हो गए, सारे के सारे मेरे वेस्ट में ही लगे हुए हैं, सारे मेरे कटिंग्स हैं। तो इस तरह से मैं ढेरों प्लांट जो है कटिंग से रेडी करती रहती हूँ और इतने सारे प्लांट जो है आप देख रहे हैं सारे मेरे कटिंग से ही बना के रखे हैं और छोटी छोटी कटिंग जो है मैं इस तरह के छोटे छोटे डब्बों में लगा के रख देती हूँ और जब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो इसे बड़े बड़े पॉट में मैं शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी इस तरह के पॉली बैग में ही मैंने ढेरों कटिंग जो है लगा के यहाँ पर रखी हुई है। स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी है जो कि एक पत्ते से भी ग्रो हो जाती है, तो कहीं भी आपको ये जो प्लांट मिलते हैं तो उसका एक पत्ता अगर आप तोड़ के ले आएंगे और अभी उसे मिट्टी में दबा देंगे तो उससे आपको ढेरों प्लांट जो है फ्री में मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने कितने सारे इसके पॉट जो है फ्री में रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नेक प्लांट का इस तरह का ये छोटा सा पॉट है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल से ही बना हुआ है और काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में जो प्लांट हैं। तो इस तरह से आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स का भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह के हैंगिंग पॉट्स भी बनाए हैं, तो ये रियो का हैंगिंग पॉट्स है जो कि बैटरी के ऊपर का ही पार्ट है। तो इस तरह से आप फ्री में गार्डनिंग जो है बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और ये देखिए ये पर्पल हट है और इसका भी पॉट मैंने इस तरह से फ्री में ही रेडी किया है हैं। और अगर आप गमले नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप फ्री में भी बहुत ही अच्छे से जो इंडोर प्लांट्स है लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अभी लग सकते हैं। तो ये देखिए ये एग्लिफा का प्लांट हो गया, ये इधर आप देख सकते हैं तो ये क्रोटन के प्लांट हो गए।
तो क्रोटन को प्लांट को तो आप कटिंग से बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर मेरे ढेरों क्रोटन के प्लांट जो इस तरह से कटिंग से मैंने लगा के रखे हैं। देखिए ये सारे क्रोटन प्लांट की वैरायटी है यहाँ पर, जो कि इस तरह से इनकी कटिंग ही लगी है। तो आपको कहीं भी ये जो प्लांट दिख जाते हैं अपने आसपास में पार्क वगैरह में, तो उसकी छोटी छोटी ऊपर की टिप की आप जो 3 या 4 इंच की कटिंग जो आप ले आइए, उसमें एलोवेरा जेल लगाकर अभी आप किसी भी छोटे छोटे कबाड़ में लगा दीजिए, तो आपका जो प्लांट है फ्री में रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी एक अरेलिया का ही प्लांट है, जो कि इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स में लगा हुआ है। और ये भी प्लांट जो है मेरा फ्री में लगा हुआ है, बस यहाँ से इसे कट करके आप लगाएंगे तो लग जाएगा। ये जो प्लांट है कटिंग से बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं। सुंदर पत्तों वाला प्लांट देख रहे हैं एग्लोनिमा, तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और नर्सरी में काफ़ी महंगे देते हैं। तो इसके नीचे से ढेर सारे बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे नीचे छोटे छोटे बेबी प्लांट जो आपको मिल जाएंगे। सुंदर महंगे महंगे इंडोर प्लांट हैं एग्लोनिमा, इसे आप फ्री में इसके या तो बेबी प्लांट से सेपरेट करके लगा सकते हैं या फिर इसकी ऊपर की कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से कटिंग से रेडी हो जाते हैं। देखते हैं कि ये गोल्डन वाला मनी प्लांट है, जो कि नर्सरी में काफ़ी महंगे देते हैं, लेकिन इस प्लांट को भी आप कटिंग से फ्री में बना सकते हैं। तो ये प्लांट जो आप मेरा देख रहे हैं, इसे मैंने कटिंग से रेडी किया और देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। और ये इस तरह के मिठाई के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो मैं आपको आज ढेरों जुगाड़ जो है मिल जाएंगे, जिससे आप बिना गमले खरीदे कटिंग से ढेरों प्लांट जो है रेडी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये है पर्पल हार्ट, और इधर आप देखिए ये है रियो। तो रियो तो काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट है। एक छोटी सी छोटा साइज़ का अगर प्लांट आपको कहीं भी दिख जाता है, मात्र 1 या 2 इंच की इतनी छोटी सी कटिंग भी अगर आपको मिल जाती है, तो बहुत ही जल्दी पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेगा। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। और देखिए मैंने इसे इसमें किसमें लगा के रखा है इस प्लांट को, तो इस तरह के जो रिफाइंड तेल के डब्बे आते हैं, तो उसी में मैंने ये रियो के प्लांट हो गया। या फिर इधर आप देख सकते हैं ये पर्पल हट हो गया, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर इसके पत्ते लगते हैं, पर्पल कलर के लगते हैं और इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। और इस तरह से जो हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ होते हैं, उसमें आप इसको लगा दीजिए। ड्रेसिना के कुछ प्लांट है, ड्रेसिना भी काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इसके भी ये जो ब्रांच है, इसे आप कट करके कहीं भी दबा देंगे मिट्टी में, तो ये जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाते हैं। और देखिए ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स में ही लगा हुआ है। और काफ़ी ये जो प्लांट है मेरा कम से कम 1 या 2 साल से इसी में लगे हुए हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि ये तो स्नेक प्लांट है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है, ऑक्सीजन गिविंग प्लांट होता है। इसे मैंने इस तरह से पेंट के डब्बे में ही लगा के रखा है। तो यहाँ पर अधिकतर इंडोर प्लांट जो है आपको मेरे इस तरह के बेकार कबाड़ में ही लगे हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर तो मेरे ढेरों सिंगोनियम प्लांट हो गए या फिर कोलियस के प्लांट हो गए। ये जो कोलियस का प्लांट होता है काफ़ी ज़्यादा हार्डी होता है, छोटी छोटी ये इस प्लांट को लगाना तो काफ़ी आसान है। इसकी छोटी सी टिप पर की इतनी 1 या 2 इंच की कटिंग भी अगर आप लेंगे इस तरह से, इसे हम मिट्टी में दबा देंगे, तो जो प्लांट है कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। और देखिए जितने भी मेरे कोलियस के प्लांट हो गए, ये सिंगोनियम के प्लांट हो गए, सबको मैंने इस तरह से कबाड़ में ही लगा के रखा है। या फिर ये कोल्ड ड्रिंक्स के बोटल्स हो गए, दही के डब्बे हो गए, या फिर हमारे किचन से निकलने वाला कोई भी डब्बा हो गया, रिफाइंड तेल के डब्बे हो गए, सभी में आप ये जो प्लांट है लगा सकते हैं। देखिए कोलियस और ये जो सिंगोनियम हो गए, बेकार चीज़ों में ही लगे हुए हैं। और यहाँ पर मेरे देख सकते हैं आप गुड़हल का प्लांट है, ये रेड देसी वाली वैरायटी है, जो कि इस तरह के आटे के पैकेट में ही लगी हुई है। और इधर मेरे डेविस बैक वन के प्लांट हो गए, जो कि ये भी आटे के पैकेट में ही लगे हुए हैं। तो अधिकतर प्लांट मैंने आपको दिखा दिए जो कि बेकार कबाड़ में लगे हुए हैं। अरे जो बड़े बड़े प्लांट इंडोर प्लांट आप देख रहे हैं, क्रोटन के, ड्रेसिना के, ये सारे तो बड़े बड़े पॉट में ही लगे हुए हैं। तो आप चाहें तो छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। ये प्लांट जो है वो छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और देखिए यहाँ पर तो एक सर्फ के पैकेट में ही लगा हुआ है मेरा ये जो क्रोटन का प्लांट हो गया। और देखिए इसमें जो प्लांट है मेरा कितने अच्छे से चल रहा है। और इस प्लांट को मैंने कटिंग से ही लगाया है। तो सुंदर रंगीन पत्तों वाले पौधे लगे हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। जितने सुंदर ये लगते हैं उतने ज़्यादा हार्डी होते हैं। बहुत ही आसानी से इन प्लांट को आप छोटी छोटी इसकी कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें रूट जो है सारे प्लांट में आप देखते होंगे कि जड़ जो है निकली रहती है, तो वहीं से इसे आप कट करेंगे लग जाएंगे। और एक ही प्लांट इसके आप लगाएंगे तो पूरा पॉट जो है वो कवर कर लेता है। देखिए यहाँ पर वांडिंग जो है, जो कि इसकी छोटी छोटी 1 या 2 इंच की पिंचिंग से ही ये जो प्लांट है लग जाते हैं। तो जाड़े के दिनों में भर भर के खिलने वाला जो गुलदावरी का पौधा है, इस पौधे को आप अगर खरीद के नहीं लाना चाहते हैं तो फ्री में भी कटिंग से बहुत सारे बना सकते हैं। तो मैंने इसके हज़ारों प्लांट जो है फ्री में बना के रखे हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि उसी के बगल में जाड़े के दिनों में ये भी प्लांट जो है वो खिलने वाले होते हैं। ये कलंचू का प्लांट है और ये भी सारे प्लांट जो है मेरे कटिंग से ही रेडी हुए हैं। और इसे मैंने इस तरह के थर्माकोल के बॉक्स में लगा के रखा है।
तो इस तरह के जो बॉक्स हमारे घरों में आते हैं, तो ये जो मेरा बॉक्स आप देख रहे हैं ये मुझे एसी के डब्बे में ही मिला है, तो मैंने इसे फेंका नहीं। इस तरह के दो बॉक्स जो मुझे फ्री में मिल गए और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो इसमें मैंने कलांचो प्लांट की ढेर सारी कटिंग जो है लगा दी है। दिनों में जो कलांचो के कटिंग से इसमें फ्लावरिंग जो स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर एक और इस तरह के आटे के ही ग्रो बैग में मेरा ये जो आप देख सकते हैं ये गुड़हल का प्लांट है जो कि पीले कलर वाला है, और यहाँ पर फिर से डब्बे में ही। इस तरह से आप बिना गमले खरीदे भी बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ और भी आपको कबाड़ का जुगाड़ जो है वो दिखा दूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे ड्रेसिना के प्लांट लगे हुए हैं जो कि इस तरह के बॉर्नविटा के डब्बे में ही लगे हुए हैं, और इधर आप जो डेक्सनबेकिया का प्लांट देख रहे हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है और ये महंगे भी मिलते हैं नर्सरी में, तो ये भी प्लांट जो इस तरह के एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगे हुए हैं।